तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सलमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल बैक सेवन डी एट गेमिंग। तो मैं फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो साथ। इसमें मैं आपको बताऊँगा फ्री फायर का लैग फिक्स आप कैसे कर सकते हैं। मैं जो 1 GB का समय बताऊँगा 2 GB एंड 3 GB रैम, क्योंकि मुझे पता है 1 GB रैम में चलना बहुत ही मुश्किल है, पर चल जाएगा। उस पर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जब आप कॉमेंट करोगे तब। फिलहाल अभी तो नहीं लेके आने वाला। तो हम आज बात करने वाले हैं फ्री फायर में आप 2 GB एंड 3 GB रैम का लैग फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताऊंगा। क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, तो आप लोग मेरी वीडियो में गालियाँ देने लग जाओगे, तो वो मैं नहीं चाहता। और चाहता हूँ कि आप सारी की सारी स्टेप्स एक ठीक तरीके से सीख लें। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से बने रहिएगा और वीडियो में कमेंट ध्यान से करिएगा कि आपको कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मतलब आपका लैग फिक्स हुआ या नहीं। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि आपका भी लैग फिक्स होगा, बट मेरा ही फ़ोन का भी लैग होता है, बट मैं अपने फ़ोन को ठीक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। मैं अल्ट्रा पे खेलता हूँ, पर मेरा फ़ोन अभी आप लोग देख रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा लैग नहीं कर रहा, बट मेरा फ़ोन 3 GB रैम का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तब मैं बताऊँगा कि मैं क्या ट्रिक यूज करता हूँ या आपको भी क्या करना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है एनयूज एप्लीकेशन अनइंस्टॉल। जैसे मैं आपको बता दूँ, आपके फ़ोन के अंदर जितने मतलब एप्लीकेशन वगैरह हैं आप जिन्हें यूज करते हैं उन्हीं को यूज करिए, जब आपके फ़ोन के अंदर 2 GB रैम है या 3 GB रैम है। जैसे कि आपको मैं अपने फ़ोन में लेके जाकर दिखा देता हूँ, ताकि आपके समझ में काफ़ी अच्छे से आए और आप मेरी बात को इजीली समझ पाओ। तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन के अंदर लेके चलता हूँ, ताकि आप ये ना बोलें कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरा फ़ोन है ज़्यादा स्पेस का। जैसे कि आप लोग मेरे फ़ोन के अंदर चलिए देख लीजिए मेरे फ़ोन के अंदर मैंने क्या क्या यूज किया है। अब आप लोग मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि मैं अपने फ़ोन के अंदर लिमिटेड एप्लीकेशन से यूज करता हूँ। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं सामने कि मैं फ़ोन के अंदर कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे कि मैं इसे यूज़ नहीं करता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर इसे भी डिलीट कर देता हूँ, अनइंस्टॉल और कैनवा एप्लीकेशन ऐसे भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ करता हूँ, तो इसे भी डिलीट करता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग ये ना कहें कि तो भाई ये सब यूज करता है वो यूज़ करता है, फिर फोन को लैग क्यों नहीं करता। तो भाई मेरा फ़ोन भी लैग करता है, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं लिमिटेशंस को कवर करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए ताकि आपका फ़ोन भी लैग ना करे, आपका फ़ोन नहीं करे, जैसे मेरा फ़ोन स्मूथली चलता है वैसे ही चले। तो हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 2 की ओर, जो कि आप मैं आपको फ्री फायर के अंदर ले जाकर बताऊंगा जो भी 2 GB रैम यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारी टिप नंबर 2 है फ्री फायर सेटिंग्स। तो आप लोग बोलते हैं फ्री फायर सेटिंग अब तुम हमें से मुझे बोल रहा हूँ भाई, नहीं मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, पर जो चीज़ करने की वो तो आपको बता ही सकता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो चलिए आपको सेटिंग्स में लेकर चलता हूँ। ये है आपकी बेसिक सेटिंग्स, और ये सेंसिटिविटी, ये कंट्रोल्स, ऑटो पिकअप, और यहाँ पर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में मेरा फ़ोन 3 GB रैम का, तो मैं अल्ट्रा पे रखा है, अल्ट्रा पे मैंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। मेरा आपका फ़ोन 4 GB या फिर 6 GB रैम का, तो आप 5 पर रखिए, और 2 GB 3 GB रैम है तो आप, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर सेंट्रल पर रख सकते हो। वैसे अगर आपका फ़ोन 2 GB रैम का है तो आप स्मूथ पर ही रखिए, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरा फ़ोन 3 GB रैम का है तो मैंने अल्ट्रा पर रखा है और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और अगर आपका फ़ोन ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब जैसे प्रोसेसर वगैरह तगड़ा नहीं है, तो आप वो इस पर सेंट्रल पर रख सकते हैं, और 2 GB रैम तो आप तो स्मूथ पर रखिएगा ही। और आप जैसे ये देख सकते हैं सामने फ़िल्टर है, इसको थोड़ा सा लो करके रख सकते हैं, ब्राइटनेस पर, ब्राइट पर रख सकते हैं, तो इससे आपके फ़ोन का लैग कम हो जाएगा। और साउंड और भी आपका आपको सही सारी चीज़ बताऊँगा। जैसे आप साउंड पर देख सकते हैं, साउंड पर आप वो कम ही रखिए, इससे भी आपका फ़ोन में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और कुछ आपको बताता हूँ जो भी मेरे बताने का सो, ताकि आप ये ना कहें कि भाई तूने ऐसा वैसा बता दिया। जो मैं देखो, जैसे मतलब वो बहुत ही लिमिटेड बंडल्स आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपके फ़ोन की स्टोरेज कम से कम खर्च होती है। अगर आप लोगों को और भी मतलब इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दिएगा, तो मैं और भी मतलब फ्री फायर
और भी वीडियोस आपको बनाऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो भी मेरे काम की है जिन्हें मैंने डाउनलोड नहीं की है। आप भी सिर्फ वही चीज़ डाउनलोड करिए जो कि आपके फ़ोन में आपको ज़रूरत है, बाकी आप डाउनलोड मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे भी आप फ़ोन पर इफेक्ट पड़ता है। तो मैं पार्ट टू में आप लोगों को और भी ढेर सारी टिप्स बताऊँगा, तो उसके लिए कॉमेंट में पार्ट टू लिखना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड फाइन एंड यू। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।